हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन टेस्टी कुकिंग बाय सोनिया। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छी सी इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल दही बल्ले। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे जल्दी से बना सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे ये। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूँग की दाल ली है, बिना छिलके वाली। तो ये मूँग की दाल को हम धो के 5 से 6 घंटे के लिए मैं इसको भिगो के रख दूंगी। फिर उसके बाद आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी इसको भिगो के रख सकते हैं, मगर मूंग की दाल अगर आप 4 या 5 घंटे में भी भिगोते हैं तो ये फूल के डबल हो जाएगी इसका साइज़। तो अब आगे की रेसिपी पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दाल 4 से 5 घंटे भीग चुकी है, पानी मैंने इसका निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कितनी फूल कर डबल हो चुकी है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, 1 इंच का टुकड़ा जाएगा अदरक का, आप उससे छोटा भी ले सकते हैं, दाल के अकॉर्डिंग आप अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 हरी मिर्च, छोटी सी मैंने एक हरी मिर्च ली है। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी पीसने के लिए तो थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। और अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं इसमें अदरक को ऐड करूँगी, हरी मिर्च जाएगी, नमक डालेंगे हम, और 4 टेबल स्पून इसमें हमने पानी को ऐड करना है। बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, दाल पीस चुकी है इस टाइम। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, दाल हमने पीस ली है। और दाल पीसने के बाद हमने यहाँ पे बहुत ही चुटकी भर हमने इसमें बेकिंग सोडे को ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा। अगर आप इसको अवॉइड भी करेंगे तब भी आप इसको बहुत ही स्मूथ और सिल्की से इसको बना सकते हैं, बहुत सॉफ्ट से बनेंगे ये। ये हमने मिक्स कर दिया है और इसका बैटर हम थोड़ा 2 मिनट तक इस तरीके से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने स्टोव को ऑन कर दिया है। आपने किसी भी कढ़ाई या फिर किसी भी पॉट के अंदर आपने जो फ्राई करते हैं वो रख लेना है और ऑयल को डाल देना है। और ऑयल हमारा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर पे हम इसको फ्राई करेंगे भल्लों को। और इस टाइम इसकी हीट मीडियम पर की हुई है मैंने। और कोई भी आप प्लेट ले लें या फिर आप टोकरी ले लें जिसके अंदर आपने भल्लों को निकालना है, पेपर टॉवल बिछा लें, एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो पेपर टॉवल पे आ जाएगा। तो इस टाइम ऑयल बहुत मीडियम फ्लेम पे किया हुआ मैंने, तो इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा है। तो अब हम फ्राई करेंगे भल्ले। अब मैंने इसमें भल्लों को डालते जाना है, इस तरीके से आपने हाथ से डाल लेना, छोटे बड़े आप अपने साइज से कर सकते हैं। ये देखिए, ये फूल के बड़े हो जाएंगे। देखिए, इस तरीके से आपने निकाल लेना इसको, यहाँ पर मैं निकाल लूंगी। और मैं फिर फ्राई कर लूंगी। आपने ये, अब मैं सेकंड इसका कढ़ाई में से निकालूंगी सेकंड टाइम। ये देखिए, आप आराम से डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्पून से भी डाल सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से डालना अगर हार्ड लगता है। ये देखिए, यहाँ पर साइड पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं इसके अंदर अब हींग को डालूंगी। यहाँ पर ये थोड़ी सी हींग को ऐड करूंगी मैं। आप चाहें तो इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। पानी इस टाइम थोड़ा सा गर्म हो चुका है ये, और इसके अंदर मैंने भल्लों को डाल देना 10 मिनट से 12 मिनट तक आप रख सकते हैं इसको, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखिए, बहुत ही बहुत नरम है, सॉफ्ट। अब मैं ये भल्ले डालने लगी हूँ इसके अंदर, पानी के अंदर। ये मैं सभी इसमें डाल लूँगी।
और इसको हमने ढक के रख देना है। 10 मिनट बाद में आपको मिलती है। अब हमने इसको सामान को हमने तैयार कर लिया है, खट्टी मीठी चटनी ले ली है और दही को हमने फैट लिया है। दही के अंदर 1 से 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी को ऐड किया है ताकि थोड़ी सी ये मीठी हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी चटनी ली है, ये थोड़ी सी स्पाइसी है और हरे धनिए की चटनी है। और यहाँ पर मैंने नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर है, चाट मसाला है, गरम मसाला है, वो आपकी चॉइस है आपने किस तरीके से इसको बनाना है दही बल्लों को और चटपटा सा। तो अब हम आगे की रेसिपी देखिए, यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से हाथ से प्रेस कर लेना है और प्रेस करके आपने इस तरीके से रख लेना है। अब हम दही बल्लों के चाट तैयार करेंगे। अब हमने यहाँ पर ये डाल के रख लिए हैं। अब आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर दही को ऐड करेंगे बहुत अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी चटनी। और इसमें ऐड करेंगे खट्टी मीठी लाल चटनी। ऊपर से हम ऐड करेंगे इसमें नमक। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और ऊपर से ऐड करेंगे हम लाल मिर्च थोड़ी सी। ये आपकी चाट तैयार हो चुकी है, बहुत टेस्टी है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। दही बल्ले इस तरीके से घर में बनाएं, बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत सॉफ्ट से है खाने में। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए किस तरीके से ये टूटेंगे, ये देखिए बहुत सॉफ्ट से दही बल्ले अंदर से हमारे बनके तैयार हुए। ये देखिए जिस तरीके से आप बाज़ार में जाके खाते हैं उसी तरीके से है, ये बहुत इजी से टूट जाते हैं। और ये मूंग की दाल के दही बल्ले वैसे भी बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो आप इसे जल्दी से जाके मेरी रेसिपी को देखें और बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।